हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लासेस। टुडे आर गोइंग टू डिस्कस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन व्हिच ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक अच्छे ना, ऑलरेडी वी हैव लर्न पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आम तार कॉम्बिनेशन भी पढ़ते, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए सब विषय ऑलरेडी जानते। तुम देखी सब फास्ट कौन थी, गोटे कैपेसिटर थी जो स्पीयर टाइप र। ठीक अच्छे ना, कैपेसिटर कौन जे चार्ज होल्ड कर, तो गोटे स्पीयर टाइप रहा, ये कौन है रिजेक्ट होगा, कौन पाई तार लाखुना जान, तार ड्रॉबैक जान, आसला भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक अच्छे, तो ये कौन है यार कैपेसिटेंस आर कौन है अधिक है। एबे कौन है साइंटिस्ट मैंने कौन कले, कहले ये भाई आम कंट्रोल रे नहीं, या कौन सब तार लेंथ बढ़ाऊ, एरिया बढ़ाऊ, लेंथ कम कर, सब ना आम एमती किसी कम कर जो थे या कैपेसिटेंस भी आहरी बढ़ीस। ठीक अच्छे ना, ठीक अच्छे, तमाने से कौन कले या मझे गोटे किसी गोटे मेटेरियाल को से रखिले। ठीक अच्छे, जोटा को आम कहले डाइइलेक्ट्रिक। ठीक अच्छे ना, तम भाव सर से नुआ नुआ रिसर्च कर ना बढ़ाईदे, कि आम सिलेबस बढ़ीगल ना, सिलेबस तो बढ़ा कौन कर लास्ट टॉपिक। ठीक अच्छे ना, अच्छा लास्ट टॉपिक जाए बहुत किसी अच्छे भितर देख आपको। अच्छा ये कौन डाइइलेक्ट्रिक, तो भाई हेडिंग दि फास्ट कौन डाइइलेक्ट्रिक विषय देखिद। अच्छा तुम मैंने ऑलरेडी जान जो मैटर टा अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी तीन टा टाइप डिवाइडेड, गोटे कौन कंडक्टर, कौन इंसुलेटर, यस, तापरे आ गोटे हूँ दिटा, आ गोटे सेमिकंडक्टर, किसी जन पढ़ी थी सेमिकंडक्टर, आउ किसी जन देखी नए जाए सेमिकंडक्टर, खाली ना शुणी थ तमर यूनिट नाइन अच्छे। ठीक अच्छे, अच्छा कंडक्टर कौन जे फ्रीली इलेक्ट्रॉन को पास कर, जो हिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली मूव कर। ठीक अच्छे ना, आराम से जब एपट आम देखा दवा निया सेपट सैड काटि जीव। ठीक अच्छे, कि इलेक्ट्रिसिटी भी आम एपट एंड लगेद सेपट एंड को इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर। इन्सुलेटर कौन जे टोटाली शुणी जहाँ को जिते कौन तुम इलेक्ट्रिसिटी दिए जिते हिट दिए सेपट सैड जीवन। सेमिकंडक्टर गोटे स्पेशल टाइप कंडक्टिविटी, जहाँ कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इन्सुलेटर। ठीक अच्छे ना, ये किसी कंडीशन अप्लाई करके भितर आम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा, आखिरी तरह डोपिंग फोपिंग करके सेमिकंडक्टर इंक्रीज भी करें, कंट्रोल भी करें फ्लो टाक, तो ये भी बहुत काम जिन एलईडी फेलईडी या सब कौन सेमिकंडक्टर या। ठीक अच्छे ना, फर एक्जाम्पल जर्मानियम, आम आर्सेनिक, बोरन, ये सब गुडा कौन सेमिकंडक्टर जा। ठीक अच्छे, कंडक्टर जान कपर, आम सिल्वर, एगुड़ा सब भल भल कंडक्टर, इन्सुलेटर काठ ईटा एगुड़ा सब कौन है इन्सुलेटर। ठीक अच्छे ना, अच्छा एबे आसला डाइइलेक्ट्रिक आम भितर कौटी। ठीक अच्छे, डाइइलेक्ट्रिक गोटे एमती गोटे कैटेगरी तुम इन्सुलेटर टाइप इन्सुलेटर नुह। ठीक अच्छे ना, ये गोटे एमती लोक जे ना कंडक्टर ना इन्सुलेटर ना सेमिकंडक्टर, ये गोटे आ गोटे टाइप रो जो नाला गोटे हिरोन वस्तु को मारे कौन नरसिंह अवतार, ना मनीष ना सिंह ना पशु से टाइप रे गोटे लोक कौन ता ना डाइइलेक्ट्रिक। ठीक अच्छे, अच्छा डाइइलेक्ट्रिक स्पेशल प्रॉपर्टी कौन कौन पे इन्सुलेटर अंडर रखी ना डाइइलेक्ट्रिक, ये तो गोटे इन्सुलेटर टाइप बिहेव करे, इन्सुलेटर इन्सुलेटर, किंतु यार जो ये तमाम कौन ये फ्लो अफ इलेक्ट्रोन तार भितर हम ना। ठीक अच्छे ना, तमाम करेन्ट पास कर फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी या भितर हम ना, बट ये कौन कर यार जो भितरे जहां भी अच्छी जहां भी इलेक्ट्रोन अच्छी भितरे से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट कर। ठीक अच्छे ना, भितरे कौन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट कर। ठीक अच्छे, नोट कर डाइइलेक्ट्रिक कौन, अच्छा तो डाइइलेक्ट्रिक कौन हम ए डाइइलेक्ट्रिक इज ए टाइप ऑफ सब्सटेंस which does not allow the flow of charge through it but the electrostatic force can be exerted
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ भीतर देखि पास कर परियो बट चार्ज पास कर परियो ना ठीक अछि ना अच्छा ये कोन ये गोटे स्पेशल टाइप रो इन्सुलेटर कहले चलिबो इट इज इसेंशियली एन इन्सुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कहला इट इज इन्सुलेटर एटा गोटे इन्सुलेटर जहाँ भर इलेक्ट्रोन थे सब सब्सटेंस इलेक्ट्रोन अच्छे किंतु पोलराइज कर पोलराइज मान कौन एस पोलराइजेशन कौन ठीक अच्छे मुझे कह पोलराइजेशन कौन ना के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोन गुडा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कौन हम पोलराइज होते गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रखुच्च ठीक अच्छे ना एति नोट कर नेक्स्ट देखा पोलराइजेशन कौन पोलराइजेशन कौट आसा से सब जिन देखा अच्छा ये जो डाइलेक्ट्रिक पुणे दी टाइप रहा पढ़ा पोलराइजेशन कौन ठीक अच्छे डाइलेक्ट्रिक पुणे टू टाइप रहा नॉन पोलार आ गोटे हूँ पोलार राइट गोटे पोलार आ गोटे नॉन पोलार नॉन पोलार कौन पोलार कौन मन के रख फास्ट जिन सिंबल बत सिंबल होची ये गोटे रसगोला भाया कर ठीक अच्छे ना गोटे प्लस गोटे माइनस ठीक अच्छे नॉन पोलार रण सरी नॉन पोलार रहा है पोलार रण पोलार रिम्बल एमती काकुड़ी भाई हाँ गोटे प्लस गोटे माइनस ठीक अच्छे प्लस माइनस चार्ज ठीक अच्छे ना अच्छा सिम्बल कौन सिम्बल दिटा हो गला एवं कह ना दि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड बुझेला किछ बुझेला सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मु कहूनी जे पॉजिटिव चार्ज टा जोठी अछि नेगेटिव चार्ज टा तहारी ऊपर अछि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बुझी देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो गोटे जगह रही पारे कौन आम न्यूक्लियर सेमती सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे गोटे आटम भितर मझे अच्छे प्रोटॉन न्यूक्लियस अच्छे न्यूक्लियस चारिपटे कौन न्यूक्लियस भी किए अच्छे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन टा चारिपटे गिरिगिरी गिरिगिरी बुलू तो एमती तो जो देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर ये तो जानी बाड़े ही जाता बुझी हूँ ना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो ये चारिपट बुल तो एमती तो नेगेटिव कोइनसाइड कर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइनसाइड कर बुझा कमी फॉर एग्जांपल एग्जांपल गुटा एग्जांपल हूँ एच टू सीओ टू सी एच फोर एगुडा हूँ कौन आम एग्जांपल ऑफ नॉन पोलार पोलार रही कौन एच टू एच सी एल एगुडा सब कौन पोलार एग्जांपल ठीक अच्छे ना टेंशन नियोनी मु नोट रे ऑलरेडी पूरा भलसे जहां मुझे सब जाक मो बिट बाय बिट लिखिक देसी ठीक अच्छे ना एबे खाली बुझी बुझी चलो लास्ट मु टाइम दउछि नोट करिया पे तो एग्जांपल बुझेला एबे देखिया एटा केमिति पॉजिटिव और नेगेटिव टा कोइनसाइड करछि देखो फॉर एग्जांपल H2 कथा कहछि H2 रे कोन दीटा H2 एटम दीटा रसगोला भया सेम साइज रो लागी गछथि रसगोला कथा सुनि केतरा पिला गोला रो बडलानी किसी ना देख इे आटम गुडा बुझेगा ना डाइलेक्ट्रिक वाला मिठा नहीं ठीक अच्छे अच्छा
या रेडियस जहा भाई या रेडियस सेया हबो ना ये सब यार एठी पॉजिटिव चार्ज मझिरे अछि यार एठी पॉजिटिव चार्ज मझिरे अछि ता माने दीटा जकर पॉजिटिव चार्ज रो सेंटर ऑफ मास कोठ हो मते को पूरा सिस्टम नियो एटा को पूरा गोटी सिस्टम न पूरा सिस्टम रो कोन हो एही मझिरे आसी दि रहबो ना पॉजिटिव चार्ज रो कोन सेंटर ऑफ मास एबे नेगेटिव चार्ज रो देखिबा इलेक्ट्रॉन कोन को चारिपटा रोटेट करछि तो इलेक्ट्रॉन रो भी आसी कि एही जगह रे ही होबो ना दि जण जकर इलेक्ट्रॉन रो टोटल सेंटर ऑफ मास ता एही जगह रे होबो ना ता माने पॉजिटिव रो सेंटर ऑफ मास एठी नेगेटिव रो सेंटर ऑफ मास एठी गुड जार कोइनसाइड करले मु कहूनी चार्ज कोइनसाइड करिया कथा पॉजिटिव चार्ज एठी रहला पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चारिपटे घुरुछि किंतु सेंटर ऑफ मास मान पर पूरा टोटल सेंटर ऑफ मास एठ रहला बुझि होछि किंतु सेम जदि देखिबा एचसीएल केस रे एचसीएल कोन तमे जानिछ एचसीएल को हमें लिखिबा एच प्लस प्लस सीएल माइनस लिखा जाय ठीक अछि ना त माने याकु जदि हमें फिगर भला ड्रा करबा कोन हो गोटा बडो तरबूज अछि छोटिया ठीक अछि वाला अछि एच वाला रस वाला ठीक अछि अच्छा ये एच रो रेडियस एडी ते क्लोरीन रो रेडियस एडे गोटे त माने दीटा जकर सेंटर ऑफ मास कोठी लाइ करिवो पाखा पाखी एई पटा लाइ करिवो कहार पॉजिटिव चार्ज रो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव रो कोठ लाइ करिवो सी भी कोन ए जगह रे लाइ करिवो ठीक अछि ना त माने ए माने कोइनसाइड करले नै एमति काई होउची तमे जानिछ क्लोरीन रो नेगेटिव हिची कोन बे आयनिक हिची कोन पई कैना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन टाणीवर कैपेसिटी क्लोरीन रो अधिक बुझि होची क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन टाणीवर कैपेसिटी अधिक ए जगह रे सेम थिला वैलेंस भी सेम किंतु ए जगह रे कोन हिची क्लोरीन कैपेसिटी अधिक अछि आमे जानिछ तमर एटा सपोज पीरियोडिक टेबल एमती अछि पीरियोडिक टेबल राइट अच्छा पीरियोडिक टेबल रो जत बेला आमे 1 रु 17 एडे जानती ग्रुप 18 कथा कोनी 18 त हमर हे गेला रेयर ग्रुप 1 रु 17 जाय 17 रे की अछि हैलोजन हैलोजन ग्रुप रे अछि क्लोरीन क्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक आमे लेफ्ट तो जत बेला राइट कुजिबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढी बढी जाय तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोन ना इलेक्ट्रॉन टाणीवर कैपेसिटी त माने इलेक्ट्रॉन टाणीवर कैपेसिटी क्लोरीन रो अधिक त माने क्लोरीन कोन कला यार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निज अड़ टांगला बुझि होची हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निज अड़ टांगला माने कोन एथि सिमिलर सिमिलर होतला किंतु एथि निज अड़ टांगला त माने कोइनसाइड करिवे नै बुझि होची ना त माने एथि कोन हेगला सेंटर छथि में ये एड़ बटा ये छोटियाटा किंतु लागी के अछन बॉन्डिंग हे के अछन तो वाटर रो भी समते कोन हे वाटर रो एटा गोटे एच एटा गोटे एच दीटा जको कोन हे गोटे ऑक्सीजन सहित लागती एटा गोटे एच एटा गोटे एच दीटा ऑक्सीजन सहित लागती इमानो भीतर बॉन्ड एंगल 105 डिग्री हो 105 डिग्री बुझि होची से सेति पे H2O टा कोन हेची पोलर एलिमेंट हेची यार नॉन पोलर हेची अरे पोलर केमनी मन रखियो एटा भूलिछि बोली कंफ्यूज हे जानि पिला कोन पई ना देखो नॉन पोलर माने गोटे जगह कोइनसाइड करले पोलर तमे जानिछ हमर यार था गोटा कोन दीटा पोल अछि गोटा नॉर्थ पोल गोटा साउथ पोल तो आमी तो को यार पोलर तो ये भी सही टाइप रो पोलर तो नॉर्थ पोल माने अलग अलग अच्छे तो यही टाइप रो मन रखियो पोलर ता कोन हेला अलग अलग हे गेला नॉन पोलर ता गोटे जगह हे गेला ठीक अछि अच्छा मत एक कथा को जदि एटी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गोटे जगह रछ त माने डाइपोल मोमेंट कोन हो डाइपोल मोमेंट कोन q * 2a डाइपोल मोमेंट q * 2a पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज * तांगर डिस्टेंस बिटवीन देम एठी द डिस्टेंस सेम हे गेला चार्ज नो सेंटर ऑफ मास तो सेम हे गेला सेम हे गेला माने डिस्टेंस तो जीरो डिस्टेंस यदि जीरो हेला डाइपोल मोमेंट कौन हम नॉन जीरो कौन एमान किसी डिस्टेंस रोचे तो नॉन जीरो बुझा किसी पिला केमिस्ट्री क्लास भाया लगे ना फिजिक्स क्लास भाया तो लगुन केमिस्ट्री तो पढ़ुन कौन पढ़ुन ठीक अच्छे ना केमिस्ट्री फिजिक्स कौन भाई भाई बुझे ना अच्छा नोट करो नेक्स्ट देखा अच्छा मुझे टिके आगे कहती डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल गुड़ा को हम जो गोटे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा चार्ज गुड़ा कौन हुए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करे माने कौन अलाइन हुए तो यही कह जाए पोलराइजेशन हेडिंग दियो सब हेडिंग गोटे पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बुझेगा ना पोलर और डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा कौन हम पोलर करेंगे ना नॉन पोलर करेंगे दीजिए जाओ बोलिए अच्छा इटा हला
कौन नॉन पोलार फेस मोर एटा हला पोलार ठीक अछि त सपोज एठी मोर गोटे बॉक्स अछि अच्छा ए बॉक्स रे नॉन पोलार डाइइलेक्ट्रिक अछि नॉन पोलार माने बोलिया बोलिया सपोज एटा नॉन पोलार डाइइलेक्ट्रिक अछि एठी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मु कर देली कौन कल गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो सपोज इ जीरो हूँ मोर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कली एटा हूँ बिफोर केस बिफोर केमी ठीक अच्छे आफ्टर कौन हम जो मु इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कला पर अवस्था कौन हम ना से बॉक्स टा तो चेंज हो किंतु ये जो डाइलेक्ट्रिक गुडा थे कमी लंबी आलाइन बुझे ना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव ये पॉजिटिव पुनी अट्रैक्ट करियो यार नेगेटिव को पुनी एम थे गेले बुझला लेफ्ट साइड सब नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव एटा हला कौन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक केस पोलर हले कौन हम पोलर कौन अच्छा सबसे काकुड़ी भाई अच्छा तो अलग अलग ओरिएंटेशन रे किंतु अच्छा बुझाला ना किए एम पड़ी किए एम पड़ी किए एम पड़ी किए एम पड़ी मन ही पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जितने अप्लाई करदे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करदे से जीरो अप्लाई करदे कौन अलाइन ये टाइप रही बुझेगा तो ये भी कौन है ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स रे बुझी हुई ना अच्छा नेगेटिव पट्टा कुआड को रहबो एपोट की लेफ्ट साइड रे एपोट जे हेतु इलेक्ट्रिक फील्ड जाई छी त एंति करू बुझेला एबे नेक्स्ट देखो हेडिंग लगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोन देखला अच्छा एबे हेडिंग लगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेशन ए गोटे फिगर रु ही हमें देखी दबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलराइजेशन दिटे जाको देखियो ठीक अच्छे ना गोटे भल फिगर ड्र कर भल से जमी आठ दस वर्ष जाए रही तम पाखे अच्छा एटा सपोज गोटा थ्री डायमेंशनल बॉक्स अच्छी जो थे मु ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ठीक अच्छे ना या भितर कौन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अप्लाई कर सारी एटा हूँ गोटे कौन मोर डाइइलेक्ट्रिक या भितर अच्छा से पोलार हो कि नॉन पोलार हो आम तो अप्लाई कर सारा पर एमती ही हम ना अच्छा एटा गोटे मोर कौन है गला गोटे डाइलेक्ट्रिक थिला जो थे डाइलेक्ट्रिक मु ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सारी अच्छा मुझे एमती कर पारि एबे याकु गोटे रिवाइज मु करछि आउ टिके भलसे ठीक अच्छे ना तो सपोज मोर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो मैंने एपट साइड गोटे किसी पॉजिटिव चार्ज रडपट रखा थी एपटे गोटे नेगेटिव चार्ज रड रखाई दिटा प्लेट रखाई एबे बुझी पार्छ मो आईडिया कुआड को जाऊँ धीरे धीरे कैपेसिटर आड़ को नौ कैपेसिटर हेल्ला कौन हम दिटा प्लेट हेला गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव तो एपटू सेपटे कौन है लाइन्स ऑफ फोर्स जाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाला जाऊँ ठीक अच्छे ना तो यहाँ कौन है मोर क्यू प्लस क्यू एटा है माइनस क्यू ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन मोर प्लस 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 वाला यहाँ हूँ कौन कर माइनस 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 वाला दिटा प्लेट
एबे एई बॉक्स टा मोर कोन हिचि मध्ये रखाई छि एटा सेम सेम बॉक्स बुझियो जना बा एटा जे मोर सेम सेम बॉक्स खाली मोर सामना आडो व्यू देखु छि सामना आडो व्यू देखु छि एटा मोर सेम बॉक्स जहा भितरे ए जो डाइइलेक्ट्रिक गुडा ऑलरेडी पोलराइज हे कि अछन्ते ठीक अछि ना ता माने मु जदि मन कर सपोज एई पट लास्ट देखियो रे पट फास्ट देखि यांको भीतर कथा कहू छि मन कर मु एई जागरो नै जे जणा पड़ छि एई जागरो मु नै गेलि ठीक अछि एई जागरो भीतरटा कोन हेतियो मोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो ना कोन पई ये गोटा पॉजिटिव नेगेटिव संगर लागि छि पॉजिटिव नेगेटिव संगर लागि छि त लास्ट कु पूरा एपट मुंडो कु केवल नेगेटिव चार्ज गोटा रहै छबो पूरा सेपट मुंडो कु केवल पॉजिटिव चार्ज गोटा लेयर रहै छबो त माने एई मन जदि एई लेयर ता कु एईठी लेखिबी केवल नेगेटिव 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 रहिबो राइट जदि एपट ता कु एपट रखिबी पॉजिटिव 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 रहिला बुझि होछि त माने एई मझीटा हे गेला मोर कोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल केवल एपट रही गेला नेगेटिव चार्ज केवल एपट रही गेला पॉजिटिव चार्ज मते एटा कथा को आमर बाहर इलेक् बॉक्स रो बाहर एठु एई जाय को चार्ज को फील्ड जाउछि ई नॉट फील्ड जाउछि एबे ये गोटे गोटे डाइपोल भलिया काम करियो ना गोटे चार्ज एते पट जति चार्ज होय पट भी सति चार्ज होबो राइट एने एठी जति के चार्ज होबो ये भी सति के अट्रैक्ट करि करि बैलेंस के पट भी सति के होबो किंतु अलगा अलगा तमन एटा मोर जहा एटा से तमन एपोट एपोट की आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दिबो ना याकु सपोज मु ना दे दो छि ईपी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि ईपी तमन पोलराइजेशन हेला पर एको भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ता है तमन मु जदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तमन कोन हो मोर ऑब्वियसली बाहर एपोट ता होछि बडो थिबो एपोट ओटे छोटो थिबो अल्प छोटो डाइइलेक्ट्रिक ता तमन एपोट फील्ड ता अधिक थियो एक्सटर्नल फील्ड ता तमन एटा मोर कोन हिजबो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टा डायरेक्शन एपट के जिवो तमन एटा कोन हबो ई जीरो माइनस ई पी ठीक अछि सपोज यार मु ना दे दउ छी ई या ना दे दिले मु खाली ई ठीक अछि ना ई पी हला केवल ए जो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज डाइइलेक्ट्रिक रो फील्ड कोठु आसी एपट पॉजिटिव रो नेगेटिव आसीबो हमर बाहर कोन अप्लाई करथले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ठीक अछि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हबो बाहरु माइनस भीतरटा तो ई नॉट माइनस ई पी हे गला ई एति जे बुझियाला त माने मोर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक कोन हबो जोटा को मु ना दे दुछि ई वेक्टर केवल ई वेक्टर होछि मोर कोन इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक भीतर एटा कोन रिड्यूस्ड फील्ड भी मु कहि परबि अपन कोन कहि परबि रिड्यूस्ड फील्ड याकु मु कोन लिख परबि ई नॉट माइनस ईपी बुझियो छी कोन पई बाहर माइनस भीतर एटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एते आसीला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोन ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करे जे के एटा होसी कोन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बुझियो छी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ता कोन इज द रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मोर कोन थिला ई नॉट डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कोन मोर ई वेक्टर बुझियो छी एटा हला ई नॉट वेक्टर ता माने एटा कोन कहि परबी ओरिजिनल ओरिजिनल फील्ड माने आंको भीतर जो वैक्यूम थिला डाइइलेक्ट्रिक नथिला सेटा तो ओरिजिनल जेतेबेले हम नॉर्मल दिटा कपा गोटे कैपेसिटर रखाइतला त हम भीतर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ता होची ई नॉट बुझी होची एबे डाइइलेक्ट्रिक मु पुरे देली डाइइलेक्ट्रिक पुरे देली माने एबे डाइइलेक्ट्रिक रह गेला ईपी त ये किछ तो गोटे रिड्यूस कर दो फील्ड को तुम भी भाबो गोटे नॉर्मली गोटे फ्लो जाउथुला ता भीतर हम किछ छोटे जिंस रखि देवा त फील्ड टे कमी जीवो ना ऑब्वियसली अल्प टे कमी जीवो ना नी त सही जिंस ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फील्ड बुझला आको आउ कोन को लेखि परबी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट माइनस ईपी लेख परबी एका कथा बुझला एतिक नोट करो नेक्स्ट आउ बढ़िया बढ़िया फार्मूला दी तीनटा पढ़ अच्छा त डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर कोन हला के इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई वेक्टर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कथा हमर त फार्मूला आगे लिख दउ छी
के के इक्वल टू कौन इ डिवाइडेड बाय इ नॉट बाय इ ठीक अछि एतिक हेसी कौन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याकु म आउट कौन लिखतिले इ नॉट बाय इ नॉट माइनस ई एतिक लिखिन ठीक अछि ना अच्छा याकु अब आउ कौन कर परबी इ नॉट हमर कौन की बाबा ओरिजिनल कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रे पढ़थिले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट u by r square ए जगह सपोज एठो एठो दीटा भीतर डिस्टेंस होचे सपोज d ए जो दीटा प्लेट भीतर दीटा ए जो ये भीतर डिस्टेंस होचे d तार कोन होबो q by d square एति होबो कोन ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एथि कोन चेंज हो केवल ए जो परमिटिविटी तो चेंज हो कि हमर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रो इलेक्ट्रिक फील्ड ईटा कोन रिड्यूस फील्ड माने ए जो इलेक्ट्रिक केवल डाइइलेक्ट्रिक पे जो फील्ड ता सेटा ना तमे के चेंज हो केवल परमिटिविटी चेंज हो सपोज ए जो मीडियम रो परमिटिविटी होची हमर एप्सिलॉन नॉट का पे निया जाए फ्री स्पेस में जोटा जते बेला हमर डाइइलेक्ट्रिक नथिला सेते बेला नबा एप्सिलॉन नॉट तो सपोज एप्सिलॉन होची कहारो हमर ए इलेक्ट्रिक फील्ड रो ताले मोड कोन लिख परि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय डी स्क्वायर हबो कहले यार भी तो सेति चार्ज अछि सेही चार्ज पे तो होची अच्छा एक एबे सब कटि गुटा गला पर ये ऊपर पड़ेबो कोन हे जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इटा आसु के के इक्वल टू ई नॉट बाय ई इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बुझि होची ए जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ता कोन की रे पढ़ी तो पूरा फास्ट फास्ट पढ़ैतिली रिलेटिव परमिटिविटी माने पड़ची तले यार आउटा फार्मूला कोन आसीला एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट यार अर्थ कोन जे कोनसी जिंसर परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम वैक्यूम रो परमिटिविटी रेस्पेक्ट रे जे कोनसी जिंसर परमिटिविटी आमे कोन करि परबा ताकु जदी रेशियो कर दबा सेटा हेगला हमरो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेतबेले बुझैतिरि बुझियौ जे मन न पड़छ सेटा उठे देखि दे तापर कूलम्स फोर्स वाला चैप्टर रे करैतिरि बुझियौ छी याकु कोन कह जायो एप्सिलॉन नॉट आर माने रिलेटिव परमिटिविटी बुझियौ छी ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कोन हबो तब निजे कहो 1 हबो कोन बे अरे जे कोनसी रिलेटिव परमिटिविटी ए होची कोन एयर एयर रेस्पेक्ट रे बा वैक्यूम रेस्पेक्ट रे हमें तार परमिटिविटी नै दी तो वैक्यूम रो ही रिलेटिव परमिटिविटी कोन एठी एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट 1 हिजबो ठीक अछि ताले आकु म कोन लिख परबी एटाला रिलेटिव परमिटिविटी बुझियौ छी ताले आ गोटे फार्मूला आसी गला कार डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक अछि अच्छा एठी पोलराइजेशन भी देखि लेबा ठीक है पोलराइजेशन कोन मोर पोलराइजेशन को पी वेक्टर रिप्रेजेंट करा जाए ठीक अछि अच्छा पोलराइजेशन कोन म कहि एबे जो अलाइन होचंती त माने ए अलाइन ता जानिबा केम टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम एटा होची पोलराइजेशन माने ए टोटल वॉल्यूम जहां भी होबो गोटा वॉल्यूम होबो डिवाइडेड बाय के सेटा वॉल्यूम रे से टोटल वॉल्यूम रे केता डाइपोल मोमेंट अछि त माने कोन रेशियो बिटवीन द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक बुझियौ छी तले पी वेक्टर कोन हला मोर रेशियो ऑफ कहारो हमर डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय की हबो यूनिट वॉल्यूम ठीक अछि ना यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक माने जे कोनसी गोटे यूनिट वॉल्यूम रे केते डाइपोल मोमेंट तले टोटल रो नै गेले टोटल डाइपोल मोमेंट बाय टोटल वॉल्यूम तले एटा को कोन लिख परबी डाइपोल मोमेंट केता हो मोर q एटा d डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम v ठीक अछि ना v नै गेले अच्छा वॉल्यूम ता कोन कि रे बाबा एही टोटल एरिया इनटू d ना नै हमर वॉल्यूम ता कोन वॉल्यूम ता सब एंती हुए ना सपोज एटा होची हमर d ठीक अछि एही d सहित कहा को मल्टीप्लाई हम करबा ना एही टोटल रो एरिया ता एही टोटल एरिया को ए d से तो मल्टीप्लाई करतले हमर एरिया कोन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ना नै तो एरिया सहित जदि मु d को मल्टीप्लाई कर देबी ताले मोर हे गला ठीक अछि ना तमन याकु म लेखि परबी q इनटू d डिवाइडेड बाय a इनटू d लेख परबी a इनटू d तमन एबे d d कैंसिल आउट ठीक अछि एटा कोन हे गला मोर q बाय a तमन q बाय a टा कोन बाबा दिस इंप्लाइज p इक्वल टू q बाय a q बाय a टा कोन मने पडछि चार्ज डेंसिटी रे पढाइतला
सरफेस चार्ज डेंसिटी नाइ क्यू बाय एटा सरफेस चार्ज डेंसिटी तले एथि की सरफेस अछि पोलराइजेशन पे त माने एटा को मु लिखि दउ छी सरफेस हमर सिग्मा निया जाय सिग्मा पी लिखि दउ छी ठीक अछि तले एथि के फार्मूला एबे आसिला कोन ना पोलराइजेशन होछि क्यू बाय ए एउछि सिग्मा पी संगे समान जोटा कि हमर कोन पोलराइजेशन डेंसिटी आकु भी कोन कह जाय पोलराइजेशन डेंसिटी ठीक अच्छे एत नोट करो नेक्स्ट देखा अच्छा मुझे कि फॉर्मूला लिखी दीजिए तुम आज जहाँ जहाँ पढ़ चुके साइड लिख दीजिए आम जेहतु यूज हम तुम मन को हेल्प हम देखे अच्छा गोटे हेडिंग दियो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ससेप्टी पढ़ दबो नी ससेप्टिबिलिटी ठीक अच्छे ना अच्छा एटा कौन भाई देखिए विषय अच्छी टिके रिलेशन अच्छे या सहित दि मस तीन मस पड़ जाए बेले बेले क्वेश्चन तो से पढ़ेदे क्या ना या सहित किसी लिंक नहीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ठीक अच्छे ना केवल एटा कौन आम दि मस तीन मस क्वेश्चन पढ़ जाए क्या या सहित जो डायलेक्ट्रिक कन्स्टांट रिलेशन टा कौन से जिस पड़ जाए तो टी देखीद बेस्त नहीं दि मिनट लगे आज टे भिड लंबा हो जानी बुझे लास्ट लेक्चर मुंडी मर तो टे भलते बुझी जाऊँ ना तो सारे चाहे तो 15 मिनट सर जो ठीक अच्छे अच्छा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आर सिंबल कौन भाई सिंबल हूँ यहाँ हूँ सिंबल ठीक अच्छे ना एक्स भाया टिके लंबे दबो ठीक अच्छे एक्स नुह एक्स भाया टिके लंबे दबो है या पढ़ा जाए कौन सी एच आई कौन चाय नुह जाए है इंग्लीश वाला जान गोटे प्रकार कथा कहते हैं गोटे प्रकार स्पेलींग लिखुए साइकोलोजी पी रु स्टार्ट अच्छा अच्छा जाए एबे देखिबा ए जायटा कोन अच्छा हमर जो पी टा पोलराइजेशन टा कहा पर डिपेंड करछि हमर से जो बॉक्स बनेथिले ता भीतर जो पोलर नॉन पोलर जहां भी डायरेक्टर थिला आमे जते बेर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करछने से माने कोन हे जाउछन यार्ड साइड थिले अलाइनमेंट हे जाउछन गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे अलाइन हे जाउछन तो सेई जो छोटो छोटो डिस्प्लेसमेंट हेतला ताको हमें कहथले कोन पोलराइजेशन पोलराइजेशन डेफिनेशन तबर कोन हेतला ड्यू टू डाइपोल मोमेंट जहां भी होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए करथले अब ठीक आगु ठीक अछि ना तो से जिनसटा ताले पी टा मोर पोलराइजेशन रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की हबो इलेक्ट्रिक फील्ड एटा की इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बुझियौ जे एटा कोन हबो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माने हमर जोटा रिड्यूस हे कि एटा एटा टोटल ओरिजिनल टू जति पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कला पर जो रिड्यूस्ड फील्ड सेती से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पोलराइजेशन ता बुझियौ जे एबे पोलराइजेशन ता जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हला किस्तोटा कांस्टेंट थिबो ता माने कांस्टेंट कोन एई थे उदि से कांस्टेंट ता जे एप्सिलॉन नॉट जाय ई ठीक अछि एई दुटा होसी कोन एप्सिलॉन नॉट एंड जाय ए दुटा कोन हमरो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ठीक अच्छे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आम भलसे लिखा जायटा कौन लिख पार ना जाय इक्वल टू बी बाय एप्सिलॉन नॉट ई लिख पार तुम कहटा सर कौट आसला एक्सपेरिमेंटल लॉ बुझे बुझे एक्सपेरिमेंटल आसला कांस्टेंट ही आस बुझेगा गोटे फर्मुला गोटे फर्मुला दिटा लिखी दिया गोटे पी इक्वल टू कौन हो गला पुणी एप्सिलॉन नॉट जाय ई ठीक अच्छे जायटा कौन पी बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कौन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तुम जान मुझे लिखिपरि कौन लिखी डेफिनेशन लिखी कौन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो बिटवीन पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पार ना नहीं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एत नोट करो तापर देखा रिलेशन बिटवीन जाय एंड के हेडिंग लगा सब हेडिंग रिलेशन बिटवीन इंपोर्टेंट अच्छे टू थ्री मार्क क्वेश्चन आस बिटवीन क्या क्या भितर एटा हमारे कौन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी जाए ठीक अच्छे। अच्छा आम जानते एक रिलेशन बाहर कर ठीक अच्छे ना, आम जानते रिड्यूस्ड फील्ड या पर तो डेरिवेशन जल्दी जल्दी हो जाए किसी नहीं, प्रैक्टिस किंतु करियो बारंबार प्रैक्टिस न कले हबनी। अच्छा ई इक्वल टू कौन हम ई नॉट, ई नॉट माइनस ईपी ठीक अच्छे एटा हेतिला। अच्छा दीपट जक हम कौन करियार अछि के आनिबार अछि, के आनिबार अछि, के आनिया पे कौन करबी ई नॉट बाय ई आर करा हेतिला, ई आर मान कौन रिड्यूस्ड फील्ड ठीक अछि ना, खाली ई भी लिख पर हम तो ई नै थिली सेटी, खाली ई भी लिख पर तो ई लिखा हेतिला। अच्छा बोथ साइड डिवाइडिंग ई बोथ साइड कौन हम एपट हो गला वन ई बाय ई वन इक्वल टू ई नॉट बाय ई माइनस ई पी बाय ई लिख पारि। अच्छा यह एक सिंप्लीफाई कल कौन हम वन इक्वल टू ई नॉट बाय ई, ई नॉट बाय ई टा कौन एप्सिलॉन नॉट आर, तो एप्सिलॉन नॉट आर माने के माइनस एटा हे गला कौन ईपी बाय ई, ईपी बाय ई टा कौन ईपी, ईपी टा एटा बुझी होची। अच्छा हम खाली नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोंदे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुए कोठी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भीतर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुए इनफिनाइट प्लेन में हुए ना नहीं, तो ई यदि एमती हैला ई पी टा मोर कौन हबो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट हबो कि नहीं, तने ए जगह हम लिख परबी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट एटा ई थिला ई ठीक अछि। एबे याको आउटे सिंपलीफाई करबा दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू के माइनस। अच्छा सिग्मा पी जगह कौन लिख परबी सिग्मा पी जगह पी लिख परबी पी बाय एप्सिलॉन नॉट ई देखियबो, एबे पी जगह कौन लिख परबी एप्सिलॉन नॉट जाय ई हे गेल आसी गेल हमर रिलेशन 1 इक्वल टू के माइनस एप्सिलॉन नॉट ई जाय बाय एप्सिलॉन नॉट ई ये कटि गेल, तो ये कौन हैला 1 इक्वल टू के माइनस जाय दिस इंप्लाइज के इक्वल टू 1 प्लस जाय इटा होची रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी ठीक अछि ना, एति नोट करो। नेक्स्ट देखिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भीतर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग स्लैब करेले कोन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखिबा ता भीतर हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब थरो पुरेबा कंडक्टिंग स्लैब थरो पुरेबी देखियो ठीक अछि ना, किछि के मन रखि दियो जेमति के ऑफ वाटर होची केते ना 81 ठीक अछि, के ऑफ वैक्यूम केते हबो एबे त टिके अगुर कहितली 1 हबो ठीक अछि ना, सेमति के एयर पे कोन हबो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रे 1.00054 आउ जे अलग देले से देइथु क्वेश्चन रे तुम साइड रे मेंशन थिबो त टेंशन लवार किछ नै ठीक अछि ना। अच्छा एबे हेडिंग लगाओ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैग स्लैग आगे देख दबा स्लैग इन बिटवीन देम, देम माने कहा भीतर जो हमरो दीटा पैरेलल प्लेट भीतर ठीक अछि ना, तो गोटे पैरेलल प्लेट अच्छी दीटा गोटे कैपेसिटर दीटा प्लेट अच्छी अंकर एरिया होची ए एटा होची प्लस क्यू चार्ज सपोज एटा होची माइनस क्यू चार्ज ठीक अछि, एपटु ए दि जण भीतर डिस्टेंस होची डी, डी डिस्टेंस अपट करछन्ति इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज जाय छी ए मानको एठु ऊपर तोड़ जाय छी ई नॉट राइट कंडक्टिंग स्लैब भीतर रखिबा, तो सपोज एटा होची मोर कंडक्टिंग स्लैब राइट गोटे कंडक्टिंग स्लैब टी डिस्टेंस थिकनेस होची यार कोन टी ठीक अछि ना, थिकनेस ऑफ टी रो गोटे कंडक्टिंग स्लैब मु आ भीतर इंसर्ट कर छी ठीक अछि। अच्छा ताहले मोर टी कोन हे बाबा क्यू बाय वी, टी पे नॉर्मल केस रे जेतेबेले आंक भीतर केवल वैक्यूम थाए एठी किंतु दिनटा कंडक्टिंग स्लैब रो गोटे पोटेंशियल वैक्यूम रो गोटे पोटेंशियल, तो वी जगह रे मु लिखि परबी वी कंडक्टिंग स्लैब स्लैब रो प्लस वी वैक्यूम बुझी होची। अच्छा वी कंडक्टिंग कोन हो एबे आमे कोन करथले पोटेंशियल किंतु बाहर करथले पोटेंशियल बाहर करथले हमर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस बाहर करथले बा
ए जो दुटा प्लेट भितर जो डिस्टेंस जति डिस्टेंस मूव करछि सेटा होछि कोन हमर डिस्टेंस ना ने ताले वी कोन वी टा कोन हिजबो हमर वी कंडक्टिंग हेले ई कंडक्टिंग स्लैब रो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंडक्टिंग स्लैब रो केते केते भितर जाइछि टी थिकनेस भितर इनटू टी प्लस वी वैक्यूम वैक्यूम रो कोन हबो हमर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टोटल ई नॉट जाइछि वैक्यूम रो ई नॉट इनटू थिकनेस केते जाइछि एथे टी तो पड़े आगरु टी थिला बोली डायरेक्ट मु टी मल्टीप्लाई करथु एबे कते हला टी माइनस टी रे बुझला वैक्यूम केते रे अछि डी माइनस टी रे कंडक्टिंग स्लैब केते रे अछि टी रे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग पे टी कली डी माइनस टी कली वैक्यूम पे एबे कोन बाहर करतो अच्छा कंडक्टिंग स्लैब रो इलेक्ट्रिक फील्ड केते कि बाबा कंडक्टिंग स्लैब रो जीरो ना कंडक्टर रो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर भितरे जीरो ना त माने एटा हेते गेला त जीरो इनटू टी प्लस वैक्यूम रे केते क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम रे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी माइनस टी ठीक अछि एबे वी केते हे गेला क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी ताले सी केते हे जीवो सी हे जीवो क्यू बाय क्यू इनटू डी माइनस टी एटा ए एप्सिलॉन नॉट टा ऊपर पड़ेला ए एप्सिलॉन नॉट दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू कोन हे जीवो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी हमरो नॉर्मली कोन होतला सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी होतला एठी कोन आइला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी एटा कंडक्टिंग स्लैब है एटा मे भी पड़ी पारे न पड़ी पारे ठीक अछि ना किंतु एटा बुझिले डायरेक्ट एटा भलसा बुझियबो मे भी पकाई दे पारे सब क्वेश्चन ने किमा तमरो एमसीक्यू रे पकाई दे पारे किछ असुविधा नै ठीक अछि नोट करो नेक्स्ट वीक का डायरेक्ट अछि सेम अछि खाली डायलेक्ट्रिक को ले सॉरी कंडक्टिंग को लिवे कि डायलेक्ट्रिक कर दे छि फिगर भी सेम तुम भी खाता रे कोन करबो तमरो जो डाय कंडक्टिंग थिला ताकू काटी दे कि से जगह रे डायलेक्ट्रिक लिखि दबो नाही हला अच्छा इलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट कर छथि एबे सी कोन हला हमर क्यू बाय वी सेटे जहा थिला सेम करबा किछ अलगा नै त अथि भी पोटेंशियल ता वी टा कोन हबो दुटा प्रकार गोटा हला वी डायलेक्ट्रिक पे प्लस वी वैक्यूम पे राइट एबे वी जगह रे कोन लिख परिमु ई डाइइलेक्ट्रिक इनटू थिकनेस के टी प्लस ई वैक्यूम इनटू थिकनेस के डी माइनस टी राइट त माने ए जो डाइइलेक्ट्रिक पे इटा हमर केते हुए हमर नॉर्मल वैक्यूम पे केते हुए ई नॉट राइट जते बल डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे हुए एबे देखो एटा हला हमर कोन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे ताहले डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे कले कोन हो ई इक्वल टू E not by K लिख पे रही ना वो लिख पे रही ना तो माने अमर डाइलेक्ट्रिक पे ही हला कौन नॉर्मली एयर पे वैक्यूम पे ये भी जब तक बड़ा हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे को दिया कौन है जो E not by K है जो तो एक ही विषय आ ची डाइलेक्ट्रिक पे तो लेटा कौन है गला E not by K into T plus इटा कौन है गला E not into D minus T राइट अच्छा E not कौन की बाबा E not हो ची अमर कौन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जोटा के हम लिखतले क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिखतले राइट तो सेटा को इथि पकेवा ई नॉट कॉमन नै जाबा के कोन हे जबो टी बाय के प्लस डी माइनस टी हे जबो राइट दिस इंप्लाइज ई नॉट जगह हम कोन लिखबी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट होल इनटू एटा कोन हे जबो डी माइनस टी प्लस टी बाय के एमटी कोन में लिखली ना ता पूर्वर डी माइनस टी थिला त भल लागबो मन रखेले अच्छा एबे वी जगह रे एटा को एठी पके देल कोन हे जो सी इक्वल टू क्यू क्यू कैंसिल हे जो एटा कोन हे जो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के ठीक अच्छा अच्छा एथि नोट करो आरो स्पेशल केस देखबा केस कोन इलेक्ट्रिक मीडियम टा जदि पूरा पूरा दुईटा दा प्लेट भितरे संपूर्ण रखि दो पूरा भर्ति कर दो कोन ठीक अछि नोट कर अच्छा स्पेशल केस कोन इफ दि कैपेसिटर इज फुल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक जदि आम कैपेसिटर टा को पूरा डायरेक्ट रे भर दबा ताले कोन हे जो बाबा डी इक्वल टू टी हो ना राइट ताले हमर सी कोन होतला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के होतला राइट एबे डी इक्वल टू टी ता माने कोन हे जो
a epsilon naught by d minus d plus d by k, right? This implies c equal to कौन होता है? a epsilon naught by d by k का ऊपर ऊपर है ना into अच्छा ये जो बड़े इंटरेस्टिंग जिनसे जाना पड़ती है epsilon naught by d तब हम बड़े इंटरेस्टिंग जिनसे आते हैं ना a epsilon naught by d टा हमारा कौन है? এটা হচ্ছে অরিজিনাল ক্যাপাসিটর যেতবেলে ইয়া ভিতরে কিছু নথিলা ডাইলেট ফ্যালেট নথিলা সেতবেলে ওটা ভ্যাকুম থিলা বেলে এইটা আসতো না আমার তার মানে এটা মু লিখি পারি সি নট ইনটু কে তো সি নট এটা মোর কোন হলা সি নট ইকুয়াল টু অরিজিনাল ক্যাপাসিটর ঠিক আছে না অরিজিনাল ক্যাপাসিট্যান্স ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইটি মু আউট ইন্টারেস্টিং জিনিস কোন বাহিরলা দিস ইমপ্লাইজ কে ইকুয়াল টু মোর কোন হবো k equal to c by c not हो बना तमान k equal to c by c not ठीक है अच्छा इटा k टा कौन k टा कौन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट c टा कौन मोर जो तुमने मीडियम थिला तार भीतर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम थिला सत्य वाला रो कैपेसिटर c not हो जो ओरिजिनल कैपेसिटर তাহলে কে জায়গা নম্বর আউটটা ফর্মুলা লিখি পারি এটা হচ্ছে সি বাই সি না লিখি পারি না নে আচ্ছা এটি তাহলে আমার কত ফর্মুলা ভালো আছে যে আমার ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট ভাই গোটা হলো ই নট বাই ই গোটা হলো এপসাইলন বাই এপসাইলন নট গোটা হলো এপসাইলন নট আর বি কোন তাকু রিলেটিভ পারমিটিভিটি আর গোটা হলো ক্যাপাসিট্যান্স অফ দি মিডিয়াম বাই ক্যাপাসিট্যান্স অফ দি অরিজিনাল ক্যাপাসিট্যান্স আর ভ্যাকুম ভ্যাকুম রে দিলা যে ক্যাপাসিট্যান্স বুঝিলা না তাহলে কে র আর বি গোটা হই পারিব ফোর্স যেতে বেলে থাকে ফোর্স রে আমি কোন করতে এফ নট বাই এফ পি গোটা হই পারিব ঠিক আছে না সেটি বি ট্রাই করব নিজে এফ নট বাই এফ পি তার গোটা ফর্মুলা হই পারিব ঠিক আছে আচ্ছা এত গিরে আমার ফার্স্ট ইউনিটটা পুরা কমপ্লিট আজি হচ্ছে নেক্সট টপিক দেখিবা মু ভাবছি অপটিক্স স্টার্ট করিয়া বলি দেখিবা কোন হচ্ছে ঠিক আছে না বহুত জলদি আউট ভিডিও আনিবি ঠিক আছে আচ্ছা ভালসে পড়া তো মো পরিশ্রম তো মু করুছি তোমমান হো পাই ঠিক আছে তো দেখুছো তো জানা না কিন্তু এলিনি ঠিক আছে তো তুমি তোম হিসাব রে ভালসে পড়ো তা মহত্বটা নিহাতি ভাবে বুঝিবো ভালসে পড়ো অল দি ভেরি বেস্ট।